हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंट्रो। सर, एंट्रोपी को समझते हैं। सो दिस इज एंट्रोपी। सर, एंट्रोपी का मतलब क्या हो जाता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, इट्स रैंडमनेस। यानी एंट्रोपी मतलब होता है बिखरावट, यानी होता है फैलना। सर, सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में आपने अगर 50 जूल का हीट ऐड कर दिया, 50 जूल्स का हीट। सेकेंड थिंग मैं कहूंगा, ये सिस्टम दो टेम्परेचर्स पे लेता हूं। मान लो ये सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और मान लो ये सिस्टम 600 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं दो कंडीशंस लेके चलता हूं, एक में जहां वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, दूसरा वो 600 डिग्री सेल्सियस। सर, साइंटिफिकली केल्विन में लेना चाहिए, पर हम उसको डिग्री में लेके चलने की कोशिश करते हैं, और मैंने यहां पे 50 जूल्स को ऐड किया है। सर, जब आप किसी चीज में 50 जूल्स का एनर्जी ऐड कर रहे हो, जैसे फॉर स्पेसिफिकली ये मेरे सिस्टम में, सर ये 50 जूल्स अगर अंदर चली जाती है, तो 50 का 50 जूल्स अगर वो वर्क डन करेगा तो वर्क डन करने में यूटिलाइज हो जाएगी, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। पर बहुत बार ये देखा गया है कि 50 जूल्स जो अंदर गया है, वो 50 का 50 जूल्स हीट यो यूटिलाइज नहीं होता, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज करता है खुद को एक्सपांड करने में या खुद को फैलाने में। सर, मान लेते हैं कि इस 50 जूल्स में से उसने 40 जूल्स का एनर्जी यूटिलाइज कर लिया खुद को फैलाने में। सर, याद रखना, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास आइस होती है, आई हैव गॉट एन आइस जिसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आप उसके अंदर 40 किलो जूल्स का हीट ऐड करते हो, पर वो हीट को स्टोर नहीं करता, वो उस हीट से अपने आप को चेंज करता है, एक्सपांड करता है, और एक्सपांड करने के बाद लिक्विड स्टेट में चला जाता है। सर, सिमिलरली अगर मेरे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में मैंने टोटल 50 जूल्स का एनर्जी ऐड किया, पर उसमें से उस सिस्टम ने 40 जूल्स का एनर्जी यूटिलाइज कर लिया खुद का फिजिकल स्टेट चेंज करने में या खुद की रैंडमनेस को बढ़ाने में। अगर वो स्टेबल था, 40 जूल का एनर्जी आया, और 50 जूल उसने यूज कर लिया फैलने के लिए या खुद को एक्सपांड करने के लिए, तो मैं यूं कहूंगा द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज यूज्ड, प्लीज माइंड इट, दिस इज द एनर्जी दैट यू हैव सप्लाइड, द टोटल एनर्जी। सर, टोटल एनर्जी सप्लाइड इनसाइड या टोटल एनर्जी कमिंग आउटसाइड, हम इसको एंथैल्पी लिखेंगे, 50 जूल्स, दैट्स एन एंथैल्पी, द एनर्जी सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। सर, उसमें से 40 जूल्स यूटिलाइज हो गया है एक्सपांड करने में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंट्रोपी, हम उसको क्यू रिवर्सिबल लिख के छोड़ देंगे। सो क्यू रिवर्सिबल यहां पे कितना है? सर, क्यू रिवर्सिबल यहां पे 40 जूल है, दिस इज 40 जूल्स। सर, 40 जूल को जो हीट एब्जॉर्ब किया है, सर मेरे पास दो कंडीशन है, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे उसने एब्जॉर्ब किया हो, या एक 600 डिग्री सेल्सियस पे एब्जॉर्ब किया। मानो 40 जूल्स का एनर्जी मैंने ऐड किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो सर आप इसको ऐसे समझो, 100 लोग थे मेरे सामने, देयर वर 100 पीपल, मैंने 40 रुपए दिया, तो बताओ हर इंसान के पास कितना रुपए गया होगा, एवरी इंसान के पास। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 40 जूल का एनर्जी यूटिलाइज किया, तो पर डिग्री सेल्सियस मैंने कितना एनर्जी यूटिलाइज किया? तो सर, 40 जूल्स इज यूटिलाइज 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट यूटिलाइज हुआ होगा, लेट अस से एक्स जूल्स, व्हाट विल बी एक्स जूल्स, एक्स जूल्स विल बी इक्वल टू, या व्हाट विल बी एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, 40 divided by 100, दैट कम्स आउट टू बी 0.4 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। मतलब सर, हर डिग्री सेल्सियस पे 0.4 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 0.4 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस यूटिलाइज हुआ है। सर, मुझे एक बात बताओ, व्हाट वॉज 40 जूल्स, 40 जूल्स वॉज एनर्जी, दैट इज क्यू रिवर्सिबल, व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टेम्परेचर। सर, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टेम्परेचर, माइंड इट, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड पर यूनिट टेम्परेचर, उसको कहा जाता है चेंज इन एंट्रोपी, माइंड इट, चेंज इन एंट्रोपी। सर, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते,
What do you mean by absolute entropy? अब कितना है बाद, just like internal energy, अब कितना है बाद में कितना होगा मुझे नहीं पता, पर change कितने का आया होगा ये मैं calculate कर सकता हूँ, और ये calculate करना बड़ा आसान है, मुझे सिर्फ ये observe करना है कि कितना heat utilize हुआ है, कितना हीट यूटिलाइज हुआ है। सर कैसे समझ में आएगा कितना हीट यूटिलाइज हुआ है? सर अगर 50 जूल अंदर जाने के बाद स्टोर्ड रहता तो टेम्परेचर में उतना चेंज आता, पर अगर 50 जूल अंदर जाने के बाद 40 जूल का यूटिलाइज हुआ है तो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो जो 50 जूल्स मेरे पास आया है मैंने उसको अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखा है, बल्कि मैंने उसका यूज करके खुद को एक्सपांड कर लिया है। तो अब मेरे अंदर जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा वो सिर्फ 10 जूल की वजह से आएगा। तो लुकिंग एट द चेंज इन टेम्परेचर आई कैन प्रिडिक्ट कि उसने कितना एनर्जी या एंट्रोपी में कितना हीट उसने एंट्रोपी के लिए यूटिलाइज किया रहेगा। सर वो कैसे करते हैं हम उसको बाद में आएंगे, फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या है। और सर हमने बहुत बार ये फॉर्मूला देखा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूं दिस इक्वेशन इज यूज इन एंड इट इज गिवन इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। तो सर एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ आप मुझे क्वालिटेटिवली बताओ। सर एंट्रोपी का क्वालिटेटिवली मतलब होता है रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस आया। अब सर मैथमेटिकली मैं कैसे, अगर रैंडमनेस आया होगा तो एनर्जी यूज की हो गई, तो मैं अगर 100 डिग्री पे हूं और मैंने 40 जूल का एनर्जी एब्जॉर्ब किया है रैंडमनेस लाने के लिए, यूटिलाइज किया है, तो पर डिग्री सेल्सियस कितना यूटिलाइज किया है मैं उसको कहूंगा चेंज इन एंट्रोपी। सर सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, 60 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है तो मैं कहूंगा 40 जूल्स का यूटिलाइज हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे बताओ हाउ मच जूल्स मस्ट हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर डेल्टा एस का जो वैल्यू आएगा, एनर्जी यूटिलाइज्ड पर डिग्री सेल्सियस विल बी 40 डिवाइडेड बाय 600, एंड नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली यहां पे ये कट हो जाएगा, दिस विल बी 4/60। आप और इसको सॉल्व करो, लेट मी सॉल्व इट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, दिस विल बी 2/30। सर ऑब्वियसली अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर 0 से कम आएगा, एंड दैट विल बी 0.06 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। सर इससे क्या समझ में आया, बहुत ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाता हूं। सर जब 100 डिग्री पे था तब भी 40 जूल एब्जॉर्ब किया, अगर 600 डिग्री पे है तब भी 40 जूल एब्जॉर्ब किया, पर जब 100 डिग्री पे था तो पर डिग्री सेल्सियस कितना गया, 0.4। सो पर डिग्री सेल्सियस इज 0.4 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। सर 40 जूल एब्जॉर्ब किया पर अब वो 600 पे है तो पर डिग्री सेल्सियस कितना गया रहेगा, 0.06 जूल पर डिग्री सेल्सियस। सर मतलब क्या है, मुझे 40 रुपए बांटने हैं 100 लोगों में तो सर हर इंसान को कंट्रीब्यूशन ज्यादा जाएगा, अब अगर मुझे 40 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 600 लोगों में तो हर इंसान के पास कम जाएगा। तो सर अगर मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो एंट्रोपी में जो चेंज आया, एंट्रोपी चेंज जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, यानी हर डिग्री सेल्सियस कितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ, तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो कम होगा, पर अगर मेरा टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा यानी पर डिग्री सेल्सियस जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। सर ये तो मैथामेटिकली हो गया, जरा इसको अच्छे से समझाओ। सर इसको समझाने का एक बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास, आप इमेजिन कीजिए आप इस क्लासरूम में मेरे साथ खड़े हैं और यहां बहुत सन्नाटा है, बहुत ज्यादा सन्नाटा है, साइलेंस, आवाज आया बहुत जोर से आया। सर अब एक काम करो, इसी कड़े को लो और किसी बाजार में जाके इसी स्पीड से फेंक दो रोड के ऊपर, सर ये वहां पर भी उतनी ही आवाज करेगा जितनी आवाज ये यहां कर रहा था। पर प्रॉब्लम क्या है सर पता है, यहां की गई आवाज आपको सुनाई देती है और बहुत ज्यादा लगती है, और किसी रोड पे खड़े होकर जब इसको फेंकूंगा तो इसकी आवाज उतनी होती है। सर ये पार्शियलिटी नहीं करता कि जब क्लासरूम में गिरूंगा तो ज्यादा आवाज करूंगा, रोड पे गिरूंगा तो कम आवाज करूंगा, आवाज उतनी ही हो रही है, बस फर्क ये है यहां पहले से सन्नाटा था, और जब पहले से सन्नाटा था तो थोड़ी सी भी आवाज आई तो अपने को बहुत ज्यादा लगती है। सर बाहर पहले से बहुत आवाज है, अगर पहले से बहुत आवाज है और अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आवाज डालोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा आवाज है सर वहां पे। सिमिलरली अगर मेरा एक सिस्टम 100 डिग्री पे है और अगर मेरा सिस्टम एक 600 डिग्री पे है,
सर 100 डिग्री पे अगर उसने 40 जूल एब्जॉर्ब किया तो बहुत रैंडमनेस आएगा, पर अगर 600 डिग्री पे अगर उसने एब्जॉर्ब किया 40 जूल, सर पहले से रैंडमनेस था, सर पहले से हिला हुआ था, पहले से बिखरा हुआ था, और कितना बिखराओगे सर उसको। आई होप समझ में आया। सो मैं यूं कह सकता हूं कि मेरा एंट्रोपी में चेंज कितना होगा वो सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता कि मैंने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि मैं पहले से कितने डिग्री सेल्सियस पे हूं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन माई टेम्परेचर। नाउ हाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परेचर, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मेरा पहले से टेम्परेचर ज्यादा है तो एब्जॉर्ब की गई हीट पर डिग्री सेल्सियस कम जाएगी, तो मैं यूं कह सकता हूं एंट्रोपी में चेंज कम आएगा। तो टेम्परेचर ज्यादा, एंट्रोपी में चेंज कम। अगर मेरा टेम्परेचर पहले से कम है और अगर अब मैंने हीट को एब्जॉर्ब किया तो सर ऑब्वियस सी बात है अब जो मेरा एंट्रोपी में चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हीट जाएगी। आई होप समझ में आया इस टॉपिक को। सो मैं यूं कह सकता हूं कि एंट्रोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगी। नाउ सर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एंट्रोपी सब कुछ डिसाइड करने वाली है तो हाउ कैन यू से दैट अ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली इफ इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां एंट्रोपी कम होती है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है सर। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कभी H2 प्लस O2 को रिएक्ट करोगे, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2 टाइम्स H2O, सर इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो एंट्रोपी यहां कम हो रही है। सर कैसे एंट्रोपी कम हो रही है सर, हमको कह रही इसमें कहां रहे सर। याद रखना अगर मेरे किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो एंट्रोपी ज्यादा है। अगर उस सिस्टम के अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स अभी भी गैसियस में और बाकी के मॉलिक्यूल लिक्विड बन गए हैं तो सर एंट्रोपी कम हो गई है। और अगर सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई हो गए हैं, दे ऑल आर सॉलिडिफाई और नीचे सेटल हो गए हैं, ऊपर गैस का मॉलिक्यूल है ही नहीं, अरे सर जब गैस का मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, कम। सो अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में है तो उसका एंट्रोपी कितना होगा, ज्यादा होगा, उसका मैं एंट्रोपी ज्यादा लिखूंगा। और अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में है तो मैं कहूंगा उसका एंट्रोपी थोड़ा कम है, और अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में है तो कहूंगा उसका एंट्रोपी बहुत कम है। सिमिलरली आप अगर यहां देखो मेरे पास रिएक्शंस में कौन कौन थे, सर मेरे पास रिएक्शन में हाइड्रोजन है जो कि एक गैस है, मेरे पास ऑक्सीजन है जो कि एक गैस है, तो टोटल गैस के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट में गैसियस स्टेट में, तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। पर रिएक्ट करने के बाद उन्होंने वाटर बना दिया जो कि कौन से स्टेट में है सर, लिक्विड स्टेट में है, पहली बात तो लिक्विड स्टेट में है, और ऊपर से सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, सिर्फ 2 ही मोल्स बने हैं सर। एक तो एंट्रोपी कम इसलिए हुई क्योंकि सॉलिड गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में गया, और दूसरी बात नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए। आई होप समझ में आया। तो सर मैं कहूंगा कि एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा या फिर रिएक्शन को देख के भी बता सकते हो, अगर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग मैं कहूंगा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और अगर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग तो मैं कहूंगा उसका एंट्रोपी भी कम हो रहा है। सर ये रिएक्शन जो है इसमें एंट्रोपी कम होता है, और मेरा रूल कहता है जिस रिएक्शन में एंट्रोपी कम होगा वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, खुद से नहीं। पर सर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और सच में स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रिएक्ट करा दो अपने आप हो जाता है। सर एंट्रोपी कम हो रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, यस। मतलब ये कहना कि सिर्फ एंट्रोपी डिसाइड करेगा, दैट इज क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, सिर्फ ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यह कहना गलत है। पर सर कहीं ना कहीं एंट्रोपी पर तो डिपेंड जरूर करता है। तो मैं यूं कहूंगा कि हमने सबसे पहले कौन सा फैक्टर पढ़ा, एनर्जी को पढ़ा, सेकंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा, एंट्रोपी को पढ़ा। ना सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करती है, ना सिर्फ एंट्रोपी पे डिपेंड करती है। तो सर डिपेंड किस पे करती है, इसको समझने के लिए सेकंड वीडियो का इंतजार करो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।